नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय बालकृष्णा है। जेबीके इंग्लिश वीडियोस में फिर से आपका स्वागत है। हमारे वीडियोस में हम ग्रामर के साथ साथ स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, प्रैक्टिकल इंग्लिश और सिचुएशनल इंग्लिश भी सीखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ग्रामर, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, खाली सिर्फ ये सीखने से काम नहीं चलेगा। ये सीखने से सिर्फ ग्रामर आ जाएगा, लेकिन रोज़ जो हम सिचुएशंस फेस करते हैं, उन सिचुएशंस में हम इंग्लिश में कैसा बात करना चाहिए, अगर इसके बारे में हमें सीखना हो तो हमें सिचुएशनल इंग्लिश यानि स्पोकन इंग्लिश यानि प्रैक्टिकल इंग्लिश मतलब कम्युनिकेटिव इंग्लिश भी सीखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को थैंक यू कहना हो, किसी को सॉरी कहना हो, किसी गेस्ट को वेलकम करना है और कहीं इंटरव्यू में अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना हो कि मेरा नाम, प्लेस ऑफ बर्थ, मेरे क्वालिफिकेशन और मेरा फ्यूचर प्लान, इसके बारे में बताना चाहिए। तो ये सब जो है ये ग्रामर में नहीं आता है, ग्रामर बुक्स में ये सब हमको नहीं मिलेगा, हम खुद सीखना चाहिए। जैसे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हम मैटर कलेक्ट करते हैं और प्रैक्टिस करके सीखना है, इसको हम सिचुएशनल इंग्लिश कहते हैं, इंडिया में स्पोकन इंग्लिश कहते हैं। तो हमारे वीडियोज़ में एक सीरीज़, एक भाग इसके बारे में ही होगा, कुछ भाग ग्रामर के बारे में होंगे, कुछ सीरीज़ प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होंगे, कुछ में ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स होंगे। तो ये सीरीज में जो है हम सिर्फ कम्युनिकेटिव इंग्लिश और स्पोकन और सिचुएशनल और प्रैक्टिकल इंग्लिश के बारे में सीखेंगे। तो आज हम एक ऐसा सिचुएशन के बारे में सीखने वाले हैं जो हर रोज़ हम फेस करते हैं, इसको हम ओपिनियंस कहते हैं। ओपिनियन मतलब उद्देश्य। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये दो सेंटेंसेस को देखिए आप, यू आर डल, यू लुक डल। क्या ये दो सेंटेंसेस आपको सेम मीनिंग देते हैं? नो, ये दो सेंटेंसेस के दो अलग अलग मीनिंग हैं। यू आर डल मतलब आप डल हो, ये वास्तव है, ये हकीकत है। यू लुक डल मतलब आप मुझे डल दिख रहे हो, दिख रहे हो, किसको दिख रहे हो? मुझे, आप डल दिख रहे हो। ये मेरा ओपिनियन है, वो सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। तो जब आप किसी वस्तु या किसी इंसान, किसी चीज़ के बारे में अपना उद्देश्य बनाना चाहते हो, अपना उद्देश्य बताना चाहते हो, तो ये सेंटेंस हमको वहाँ यूज़फुल होगा। तो देखते हैं ये सेंटेंस को हम कैसा बनाते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, सिंगुलर नेम, प्लूरल नेम, ये सब्जेक्ट्स है। ये सब्जेक्ट्स को लेने के बाद फिर लुक आना चाहिए। लुक के बाद में सिर्फ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यानी केवल एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, हिंदी ग्रामर में इसको विशेषण कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे शब्द है, इन शब्दों का काम सिर्फ वर्णन करना हो, यू आर टॉल, यू आर शॉर्ट, यू आर हैंडसम, यू आर वीक, यू आर डल, यू आर रिच, यू आर पुअर, किसी इंसान या किसी चीज़ का आपको वर्णन करना हो तो वहाँ हमको एडजेक्टिव्स यूज़ करना पड़ता है। मतलब एडजेक्टिव्स माने वर्णन करने के लिए जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, वो उन शब्दों को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस कैसा बनाएंगे हम आपको दिखाने वाले हैं अभी। सबसे पहले आपको लुक लेना चाहिए। लुक, लुक जो है पूरे पर्सन्स के साथ नहीं जाएगा। लुक सिर्फ कौन कौन यूज़ करेंगे? सिर्फ पांच लोग यूज़ करेंगे, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन। मतलब आई लुक, वी लुक, यू लुक, दे लुक, चिल्ड्रन लुक, ठीक है। और लुक के बाद में मतलब राइट साइड में एडजेक्टिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई लुक टॉल, वी लुक टॉल, यू लुक टॉल, दे लुक टॉल, चिल्ड्रन लुक टॉल, हो गया ना। अब लुक्स ले लेंगे। अगर आपको लुक्स के साथ सेंटेंस बनाना हो तो सिर्फ चार लोग आ सकते हैं लुक्स के साथ। कौन कौन? ही लुक्स टॉल, शी लुक्स टॉल, इट लुक्स टॉल, रवि लुक्स टॉल, ही लुक्स, She looks, it looks, Ravi looks, हो गया looks। अब looked को लेते हैं, looked, LOOKED, ये past tense है। look और looks present tense के लिए use करेंगे और looked जो है हम past tense को use करेंगे। look जो है सभी लोगों के साथ जाता है, look जो है इंडिया जैसा है, हर कोई यहाँ रहकर आराम से रह सकता है। looked काफ़ी accommodative है, उसको हम ed one form कहते हैं, वो first person, second person, third person सबके साथ जाएगा। आई लुक्ड डल, वी लुक्ड डल, यू लुक्ड डल, ही लुक्ड डल, शी लुक्ड, इट लुक्ड, रवि लुक्ड, चिल्ड्रन लुक्ड।
लुकिंग हम कभी भी यूज नहीं करेंगे, इसको हम वर्ब ऑफ परसेप्शन कहते हैं, लुकिंग आईएनजी फॉर्म यहाँ यूज नहीं करेंगे हम। और इसके साथ साथ मॉडल ऑक्सिलरीज भी लुक के साथ जाएंगे, लाइक यू विल लुक, यू मे लुक, यू शुड लुक, यू विल लुक, आई मे लुक, आई कैन लुक, आई शैल लुक। ठीक है, तो ये सेंटेंस बनाने का तरीका है। इसको हम पॉजिटिव फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा। आप डल दिख रहे हो, यू लुक डल। क्या बात है, आज आप बहुत हैंडसम दिख रहे हो, व्हाट्स द मैटर, यू लुक वेरी हैंडसम टुडे। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, आप इरिटेटेड दिखते हो, यू लुक क्वाइट इरिटेटेड। शी लुक्स वीक, शी लुक्स कॉन्फिडेंट, वो कॉन्फिडेंट दिखती है, शी लुक्स कॉन्फिडेंट। वो डल दिखते हैं, शी लुक्स डल। शी लुक्स एक्टिव, शी लुक्स एनर्जेटिक। कल मैंने उनसे मिला था, वो मुझे बहुत डल दिखे थे। यस्टरडे आई मेट हिम, ही लुक्ड वेरी डल। ठीक है, सो दिस इज द वे। ये वीडियो में मैंने बहुत कम एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ। एट द सेम टाइम एग्जाम्पल्स सुनने से ही, एग्जाम्पल्स पढ़ने से ही हमको लैंग्वेज पर पूरा कमांड आएगा। इसलिए मेरे अगले वीडियो में यही विषय पर मैं आपको बहुत सारे ज़्यादा 50-60 एग्जाम्पल्स ऑडियो और वीडियो के रूप में बनाऊँगा। वो एग्जाम्पल्स को आप सुनिए, पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। तो याद रखिए, ये कम्युनिकेटिव एक्सप्रेशन हमें कहाँ यूज़ करना है, किसी के बारे में अपना ओपिनियन बनाते हैं, किसी के बारे में अपना ओपिनियन हम कहते हैं, जैसे कि योर हाउस लुक्स वेरी बिग, योर हाउस लुक्स वेरी ओल्ड, योर हाउस लुक्स वेरी स्मॉल, द कार लुक्स न्यू, द कार लुक्स ओल्ड। फाइन, सो देखते रहिए जेबी के इंग्लिश वीडियोस एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लिसनिंग टू माय वीडियोस, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। दिस इज जय बालकृष्णा, हैव अ ग्रेट टाइम।